नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम आपके लिए डेली यूज ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस, इसमें हम 25 यानी 25 शब्द लेके आए हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ये शब्द हैं, वर्ड्स हैं। इन शब्दों का आप कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करेंगे, कब कहाँ इसका आप यूज करेंगे, आज के इस क्लास में बताएंगे। और आप रोज जो नित्य दिन बोलने में जो आप इस्तेमाल करते हैं भाषा में, ये शब्दों का आप धीरे धीरे इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला हुआ सेंटेंसेस बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये सब कुछ आज के इस वीडियो क्लास में मैं आपको बताऊंगा। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लास्ट तक बने रहें इस वीडियो में, छोटा सा वीडियो क्लास होगा। और इस तरह के और भी वीडियोस डेली अपलोड होते हैं, आप उसको देखें, आईने के सामने खड़े होकर बोलने का प्रयास करें, तो धीरे धीरे आप अंग्रेजी को बोलना सीख जाएंगे और शुद्ध शुद्ध बोलना सीखेंगे। बहुत सारे चैनल हैं लेकिन उल्टा सीधा पढ़ा देते हैं, आपको उच्चारण सही सही करना है। सबसे पहला क्या है, देखिए ये START, इसको क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे आप स्टार्ट। कैसे बोलेंगे आप, स्टार्ट बोलेंगे, स्टार्ट। ये क्या है, इसका मतलब भी बताएंगे। ये क्या है, देखिए STOP, इसको आप कैसे बोलेंगे, देखिए ऐसे बोलेंगे, स्टॉप, स्टॉप नहीं बोलेंगे, स्टॉप बोलेंगे, स्टॉप। ये क्या है, देखिए वॉक बोलेंगे इसको, वॉक। ये क्या हो गया, देखिए टॉक बोलेंगे, टॉक। अब आप क्या देख पा रहे हैं कि जितना भी है ये ओ, ये ए, इसका क्या साउंड आ रहा है, इस वाले ए का साउंड आ का साउंड है, आ, स्टार्ट, आ का साउंड है। इस वाले का ओ का साउंड है, इस वाले का भी, इस ए का, ये आ साउंड नहीं होके, वाक नहीं होके क्या हो रहा है, वॉक हो रहा है। और इस एल का आप कोई उच्चारण नहीं करेंगे, इसको वॉल्क नहीं पढ़ेंगे, अगर आप इसको वॉल्क, इसको टाल्क पढ़ते हैं तो गलत हो जाएगा। क्या है ये, वॉक है, ये टॉक है, इसको क्या बोलेंगे, देखिए ओ पेन बोलेंगे, ओ पेन। तो यहाँ पे जो ये ओ है इसका उच्चारण क्या हो रहा है, ओ का उच्चारण हो रहा है। तो सबसे बड़ा चीज है कि उच्चारण को समझना। अब इसका मतलब भी समझ लेते हैं, ओपन का मतलब होता है ना खोलना, कौन सा चीज खोलना, कोई सा जो चीज बंद है, शर्ट खोलना नहीं, पैंट खोलना नहीं, दरवाजा खोलना, खिड़की खोलना, पेन का ढक्कन खोलना, किसी भी चीज जो, कोई सा चीज जो बंद है उसको खोलने के लिए आप इस ओपन शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो अब जब भी आपको बोलना हो कि दरवाजा खोल दो तो आप क्या बोलेंगे, ओपन द डोर। आपको कहना हो कि खिड़की खोल दो तो ओपन द विंडो, आप ओपन द खिड़की भी बोले, ओपन द दरवाजा भी बोले, मगर खोलने के लिए आप ना ओपन बोले, मतलब ओपन द ढक्कन बोल दे, ओपन ढक्कन मतलब ढक्कन खोलो, कोई डब्बा है उसका जो ढक्कन है ना उसको बोल रहे हैं आप ओपन करने के लिए, मतलब खोलो। अपना मुंह ओपन करो मतलब खोलो, अपना आई ओपन करो खोलो। टॉक, टॉक का मतलब होता है ना बात करना, बात करना। तो जब भी आपको किसी से भी बात करना हो तो जब आप उसको कहेंगे कि हमको आपसे बात करना है, आपसे कुछ बात करना है, तो आप उसको बात ना बोल के बोलें कि हमको आपसे टॉक करना है, हमको आपसे कुछ टॉक करना है, या उसमें और उसमें कुछ टॉक हो रहा है, कुछ बात हो रहा है, इस तरह से बोलें। वॉक मतलब टहलना। तो जब भी अब के बाद से आपको ये बोलना हो कि मैं सुबह सुबह टहलने जाता हूँ तो आप बोलें कि मैं सुबह सुबह वॉक पे जाता हूँ, या फिर वो लोग सुबह शाम दोनों टाइम वॉक करते हैं। तो मतलब जब भी टहलने वाला बात बोलना हो तो आप टहलना, टहलना इसका मतलब होता है। तो जब भी आपको इसको यूज करना हो तो आप क्या करेंगे, आप इसको बोलेंगे वॉक। अब ये देखिए स्टॉप है, स्टॉप मतलब कहाँ बोलेंगे, कोई सा काम अगर हो रहा है और उस काम को बंद करना है तो आप उसको बोलेंगे स्टॉप। स्टॉप का मतलब हो जाएगा रुकना, कौन सा वाला रुकना, कोई सा काम जो हो रहा है, ये जो वीडियो बना रहे हैं हम, इसको रुकना है तो स्टॉप कर देंगे। खाना खा रहे हैं, खाना खाना बंद कर देना है मतलब स्टॉप कर देना है। बाइक चला रहे हैं, उसको रोकना है तो स्टॉप कर देंगे। आप देखते होंगे जहाँ बस खड़ी होती है उसको स्टॉप लिखा रहता है, तो मतलब वो क्या है, वहाँ पे बस आके रुक जाती है, मतलब बस का जो चलने की क्रिया है ना वो वहाँ पे बंद होती है, ये मतलब है। तो मतलब आप भी कोई सा जो काम हो रहा है, मशीन चल रहा है, उसको स्टॉप करना है मतलब बंद करना है, मतलब रुकना है, रोकना है। और ये क्या है, स्टार्ट, स्टार्ट का मतलब क्या हो गया, शुरू करना, कोई सा काम जो बंद पड़ा हुआ है उसको चालू करना है, उसको शुरू करना है, उसको स्टार्ट करना है, तो आप स्टार्ट शब्द का इस्तेमाल करेंगे। मतलब आप कार में बैठे और बोलेंगे ड्राइवर को स्टार्ट, आप पढ़ने के लिए बैठे हैं और सब गपशप कर रहा है तो आप कह सकते हैं भैया पढ़ना स्टार्ट करो, नहीं, या फिर एक मशीन बंद है आप चाहते हैं कि उसको स्टार्ट किया जाए तो आप बोलेंगे मशीन को स्टार्ट करो, खाना स्टार्ट करो, खाना बनाना स्टार्ट करो, बोलना स्टार्ट करो। तो कोई सा जो काम है जो बंद पड़ा हुआ है उसको शुरू करना है तो आप स्टार्ट बोलेंगे, और कोई सा काम जो हो रहा है उसको बंद करना है तो आपको स्टॉप बोलना है।
बस इतना सा करना है। उसके बाद अगर अभी आप भूल गए हो, वीडियो को लाइक नहीं कर पाए हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर दें। तो चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर हिट करें और मेरे चैनल पे जाके देखें कि हम क्या क्या पढ़ाए हैं, उसको ध्यान से देखें, सुने, सीखें, समझें और अपने ज्ञान को और आगे बढ़ाएं। अब ये देखिए, इसको क्या बोलिएगा, फिर से देखिए, ये क्या है, क्लोज है, क्लोज। इसको क्या बोलेंगे, क्लोज। ये क्या है, देखिए, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, फास्ट, फास्ट। ये क्या हो जाएगा, स्लो। क्या हो गया, स्लो। इसको क्या बोलेंगे आप, ईट। और ये क्या है, देखिए, दे आ और र, देयर बोलेंगे। अभी देयर का मतलब क्या होता है, वहां। देयर का मतलब क्या हो गया, वहां। तो जब भी कभी आपको अब वहां बोलना हो तो आप क्या बोलेंगे, देयर, कि तुम देयर जाओ, गो देयर, ऐसे भी बोल सकते हैं। ईट का मतलब क्या होता है, खाना। ईट का मतलब क्या हो गया, खाना। तो जब भी कभी खाना शब्द बोलना हो तो वहां पे बोले ईट। स्लो, कोई सा काम जो धीरे हो रहा है तो आप उसको बोलेंगे, धीरे के जगह पे बोले उसको स्लो। स्लो का मतलब होता है धीरे। क्या चीज धीरे, कोई सा जो काम हो रहा है, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो स्लो पढ़ा रहे हैं, हम खा रहे हैं तो स्लो खा रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं तो स्लो दौड़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं तो स्लो पढ़ रहे हैं, आप बाइक चला रहे हैं तो स्लो चला रहे हैं। मतलब कोई सा जो काम हो रहा है वो स्लो हो गया, घड़ी आपका स्लो हो जाता है, मतलब वो जो घूमने वाला काम है ना वो स्लो हो गया, तो मतलब धीरे हो गया। और वहीं पे फास्ट, फास्ट का मतलब क्या हो गया, तेज। तो कोई सा जो काम तेज हो रहा है, मतलब कोई तेज दौड़ रहा है, कोई तेज बाइक चला रहा है, कोई तेज खा रहा है, कोई तेज पढ़ा रहा है, तो आप उसको बोलेंगे फास्ट, और कोई धीरे है तो उसको बोलेंगे आप स्लो। और ये क्या है, क्लोज। इस क्लोज का मतलब क्या होता है, देखिए, इसका मतलब ये होता है बंद। अब स्टॉप का मतलब रुकना, रोकना और बंद, तीनों बताए थे, मगर ये वाला जो क्लोज वाला जो बंद है और स्टॉप वाला जो बंद है, दोनों में क्या अंतर है। स्टॉप तब बोलते हैं जब कोई सा काम हो रहा हो, तब हम उसको बंद करते हैं, रोकते हैं, तो हम उसको स्टॉप बोलते हैं। लेकिन कोई सा चीज जो खुला है, कोई सा चीज जो खुला है, उसको जब हम बंद करते हैं तो हम उसको क्लोज बोलते हैं। जब कोई सा चीज खुला है, ढक्कन खुला है, दरवाजा खुला है, खिड़की खुला है, उसको जब हम बंद करते हैं तो हम क्लोज बोलते हैं। क्लोज योर बुक बोलते हैं, मतलब बुक आपका खुला हुआ है उसको क्लोज करना, मतलब आपका बुक जो है वो ओपन है उसको हम क्लोज करने बोल रहे हैं, मतलब बंद करने बोल रहे हैं, स्टॉप करने नहीं बोल रहे हैं। मगर पढ़ना स्टॉप हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एक क्रिया है। नेक्स्ट देखिए क्या है, ये हियर, इसको क्या बोलेंगे, हियर, हियर। और ये क्या है, देखिए, इसको स्लीप बोलेंगे, स्लीप। बच्चे इसको स्लीप बोल देते हैं, स्लीप नहीं है, ये क्या है, रन है। और ये क्या है, रीड है। और ये क्या है, वाई और ट, वाइट है। वाइट का मतलब क्या होता है, उजला। तो जब भी आपको अब उजला बोलना हो तो आप क्या बोलेंगे, वाइट बोलेंगे। और ये जो रीड है ना, ये रीड बड़ा मजेदार है, इसका मतलब होता है पढ़ना, मगर कौन सा वाला पढ़ना, बोल बोल के जो पढ़ना होता है ना, वो वाला पढ़ना होता है। इसका मतलब ओवरऑल क्लास में जो आप पढ़ाई करते हैं वो वाला पढ़ना नहीं होता है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। रन, रन का मतलब क्या होता है, दौड़ना। तो कोई सा भी व्यक्ति अगर दौड़ रहा है तो आप उसको रन बोलेंगे, कोई सा व्यक्ति, कोई भी आदमी अगर, या आप खुद बोल बोल के पढ़ रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, रीड। और अगर आप लिख रहे हैं तो बोलेंगे राइट। और अगर आप सिर्फ राइट बोलते हैं, किस सिचुएशन में, सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं और आप कहते हैं राइट, मतलब अब वो लिखना शुरू कर देगा, मतलब हो गया इसका क्या, लिखो। रीड का मतलब क्या हो गया, पढ़ो। रन का मतलब हो गया, दौड़ो। ईट का मतलब हो गया, खाओ। सभी खाने में पंक्ति पर बैठे हैं, सबको खाना सर्व कर दिया गया, उसके बाद आप बोलते हैं ईट। अब ईट बोलने का मतलब हो गया कि खाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखिए, स्लीप, इसका भी मतलब है सो जाओ। स्लीप का मतलब हुआ सोना, लेकिन सभी बेड पे चले गए हैं और आपस में बातचीत हो रही है तो हम बोलते हैं स्लीप, इसका मतलब है कि हम कह रहे हैं कि सो जाओ, ठीक है। और हियर का मतलब होता है यहाँ, किसी ने पूछा कि हमको कहाँ रहना है तो हम बोलेंगे हियर, मतलब यहाँ रहना है, या फिर किसी को बोलेंगे कम हियर, मतलब यहाँ आओ। तो इस तरह से इसका आप इस्तेमाल करें। एक बार फिर से आपको रिमाइंडर दे रहे हैं कि अगर आप वीडियो क्लास को वॉच करते हुए यहाँ तक आ गए हैं, चैनल पर पहली बार हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्या है, देखिए, इसको क्या बोलेंगे आप, इसको, ये है सिंग। क्या है ये, सिंग। ये क्या है, ड्रिंक। ये क्या है, गुड। ये बैड। और ये क्या है, कोल्ड, कोल्ड। कभी कभी बाय मिस्टेक बोलने में, लिखने में, समझाने में, जैसे अभी लिख रहे थे ना, ये कोल्ड, कोल्ड नहीं लिखा के वोल्ड लिखा जाता, का नहीं होके वह ही रह जाता। ऐसे में बच्चे का कमेंट आता है कि सर आप हिंदी गलत लिख दिए, भैया ये गलती नहीं है, ये तो बाय मिस्टेक है। चलिए, कोल्ड का मतलब क्या हो गया, ठंडा। मतलब
कोल्ड वाटर, कोल्ड मिल्क, कोल्ड डे, कोल्ड कप, कुछ भी बोल सकते हैं। और बैड का मतलब क्या होता है? बुरा, कोई सा चीज जो बुरा है, खराब है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? आप उसको बैड बोलेंगे। और अगर अच्छा है मतलब गुड है, तो आप क्या बोलेंगे उसको? गुड बोलेंगे। मतलब अच्छा है तो क्या बोलेंगे? गुड। और खराब है तो क्या बोलेंगे? बैड। और ड्रिंक का मतलब क्या होता है? पीना, कोई सा भी चीज पीना, मतलब मिल्क ड्रिंक करना हो, या वाटर ड्रिंक करना हो, या जूस ड्रिंक करना हो, तो कुछ भी जो आप पी रहे हैं, तो आप उसको क्या बोल सकते हैं? ड्रिंक बोल सकते हैं। और सिंग का मतलब तो होता है गाना, मतलब कौन सा गाना है करके जो गाया जाता है ना, वो वाला गाना को सिंग बोला जाता है। लास्ट वन क्या है देखिए यहाँ पे, ये है बिग। अगर कोई सा चीज बड़ा है तो आप बिग बोलेंगे, और छोटा है तो क्या बोलेंगे? स्मॉल बोलेंगे। तो बड़ा है तो बिग का मतलब क्या हो गया? बड़ा। और स्मॉल का मतलब क्या हो गया? छोटा। नेक्स्ट क्या है देखिए, हैप्पी क्या है? हैप्पी, हैप्पी का मतलब क्या होता है? खुश। हैप्पी का मतलब क्या हो गया? खुश। और सैड, अभी एक जगह और कहीं सैड लिखे थे कि नहीं लिखे थे? नहीं लिखे थे। चलिए, सैड, सैड का मतलब क्या होता है? दुखी। क्या हो गया? सॉरी, दुखी। सैड का मतलब हो गया दुखी। और हॉट का मतलब क्या हो गया? गर्म। हॉट, हॉट का मतलब क्या हो गया? गर्म। तो आज का ये वीडियो क्लास यहाँ पे दी एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को वॉच करते हुए यहाँ तक आ गए होंगे। चैनल पे पहली बार हूँ तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और भी दूसरे वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जरूर जाएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।